पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मेहंदी किस प्रकार, हिना मेहंदी जो ग्रीन पाउडर वाली आती है वो किस प्रकार घोली जाती है वो मैं आपको बताऊंगी, और अपने बालों को आप कंडीशनर किस तरीके से कर सकती हैं मेहंदी लगा करके और अच्छा कलर देने के लिए। तो चलिए आज हम मेहंदी घोल करके अच्छे तरीके से आपको बताती हूँ कि मैं उसमें क्या क्या डालती हूँ जिससे हमारे बाल टूटना भी बंद हो जाते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। और ये नेचुरल है और मैं इसमें कोई भी केमिकल वाली चीज़ यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ नेचुरल चीज़ें ही यूज़ करूँगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से आप मेहंदी बनाएंगी तो आपके बाल बहुत ही हेल्दी, सिल्की और नेचुरल दिखेंगे और बहुत अच्छे दिखेंगे। इस तरीके से आप मेहंदी बनाइएगा। तो चलिए, तो देखिए गैस पर पानी मैंने रख दिया है और इसमें मैंने 1.5 चम्मच चाय पत्ती डाल रही हूँ, 1.5 से 2 चम्मच। आप उसी चाय पत्ती का यूज़ कर सकती हैं जिसको आप चाय बनाने में यूज़ कर रही हैं। और अब देखिए पानी हमारा बॉईल होने लगा है, इसको अच्छे से बॉईल होने देना है ताकि चाय पत्ती अपना जो कलर है, जो रंग है, वो उसमें छोड़ दे, क्योंकि चाय पत्ती एक कंडीशनर की तरह भी काम करती है। तो इसलिए इसको अच्छे से बॉईल होने देना है। पानी हमारा 4 से 5 मिनट में अच्छे से बॉईल हो जाएगा और फिर हमको इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है। देखिए पानी मेरा खौलने लगा है अच्छे तरीके से, और देखिए अच्छे से चाय पत्ती इसमें जो है अपना कलर छोड़ रही है। देखिए पानी जो है हमारा अच्छे कलर का हो गया है, देखिए एकदम, ये देखिए कॉफ़ी कलर का एकदम हो गया है पानी हमारा। ये जो है हमें कलर देने में भी हमारे बालों को हेल्प करती है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। तो अब हम मेहंदी घोलना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने बर्तन लिया है, बर्तन मैंने थोड़ा बड़ा ही लिया है, और इसमें मैं डालूँगी 1/2 kg मेहंदी। ये 1/2 किलो मेहंदी है, मैंने इसको वेट करने के लिए दूसरे बर्तन में वेट किया था इसका, इसलिए तो ये 1/2 kg मेहंदी है। अब हम इसमें जो चाय पत्ती का पानी हमने ठंडा किया था, ये ठंडा हो गया है अच्छे से रूम टेम्परेचर पे, उससे इसको छलने की हेल्प से छान करके इसमें डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिलाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएँ मेहंदी के हिसाब से, क्योंकि पानी हमारा ज़्यादा भी हो सकता है या फिर बच भी सकता है, तो इसलिए इस तरीके से इसको अच्छे से घोलें आप। तो ये जो पेस्ट हम बनाएंगे इसको थोड़ा हमें गाढ़ा ही रखना है, क्योंकि हम इसमें और चीज़ें भी डालेंगे। और मेहंदी लगाने के लिए कई लोग पूछते हैं कि उसके बाद क्या सावधानियां रखना चाहिए या उससे पहले क्या हमें नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए, तो वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगी। बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक। और आपको अगर मेरी ये मेहंदी घोलने की स्टाइल अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियो जो हैं आपको सबसे पहले मिल पाएँ। और मैं इसी तरीके से आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताती रहूँगी जो आपके ब्यूटी में भी काम में आएंगी और घर की चीज़ों में भी, किचन में भी। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको अच्छे से, ताकि इसमें लम्ब्स ना रहें, उस तरीके से अच्छे से गुठली भी ना रहें, अच्छे तरीके से इसको मिलाएँगे, मिक्स करेंगे स्पून की हेल्प से। आप चाहें तो इसको हाथ से भी मिक्स कर सकती हैं, बट हाथ जो है रेड कलर के हो जाएंगे, ये देखिए। इसलिए हम आराम से पानी डालते जाएंगे और इसको अच्छे से चलाते जाएंगे, इसीलिए सब फैटना पड़ेगा, इसलिए इसको बर्तन थोड़ा सा बड़ा लेंगे हम, ताकि इसमें अच्छे तरीके से हम इसको मिला पाएँ। इस तरीके से 5 से 7 मिनट मिलाने के बाद में मेहंदी जो है हमारी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। मैंने ये हर्बल हिना मेहंदी ली है हरे रंग की, आप कोई भी कंपनी की ले सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 नींबू का जूस जो है अच्छे से निचोड़ देंगे, देखिए। और आपको अगर बालों वाइट बाल हो रहे हैं आपके, तो आप इसकी जगह, जो मैंने स्टील का कटोरा लिया है, इसकी जगह आप लोहे की कढ़ाई या लोहे के बर्तन का भी यूज़ कर सकती हैं, बट मेरे बाल सफ़ेद नहीं है इसलिए मैं उसका यूज़ नहीं कर रही हूँ। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। आप कोकोनट ऑयल मैंने 1 से 1.5 चम्मच डाला होगा इसमें, और अब इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं, अच्छे तरीके से इसको मिलाना है। और जैसा कि मैं बोल रही थी कि कढ़ाई आप लोहे की या किसी भी उसकी ले सकते हैं, लोहे का बर्तन, तो उसमें मेहंदी को क्या होता है कि रात भर भिगाना होता है, इसलिए मैंने स्टील का बर्तन लिया है, क्योंकि मैं इसको जल्दी भिगा के जल्दी लगा लूँगी और मेरे बाल वाइट नहीं हैं इसीलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। आपके बाल अगर वाइट हैं तो आप कढ़ाई का यूज़ कीजिएगा। और देखिए इस तरीके से इसको अच्छे से मिलाना है बहुत देर तक, ताकि इसमें लम्ब्स ना रहें। और मेहंदी देखिए हमारी कितनी अच्छी हो गई है, और देखिए इतनी थिक हमको रखनी है, क्योंकि हम इसमें एग का यूज़ भी करेंगे। इसको हम ढक करके 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे, और 2 से 3 घंटे बाद हम देखेंगे तो मेहंदी का हमारा कलर भी चेंज हो जाएगा। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, 2 से 3 घंटे हो गए हैं,
और ये देखिए मेहंदी हमारी कितनी अच्छी तरीके से गल गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। और अब मैंने एक एग लिया है, उसको तोड़ करके मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। एग जो है हमको लास्ट में ही डालना है, मेहंदी जब हम लगाने वाले हों उससे 10-15 मिनट पहले। इससे पहले आप डाल करके ना रखें, क्योंकि मेहंदी जो है ख़राब हो जाएगी फिर। अब हमको इसको अच्छे तरीके से आराम से मिक्स करना है। और मेहंदी को लगाने के बाद में क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले हम इसको मिला लेते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद। देखिए इतनी ही क्वांटिटी में मैंने पानी लिया था, पूरा बराबर हो गया है, पानी बिल्कुल बचा नहीं है। अगर आपको मेहंदी गाढ़ी लगे बाद में तो आप थोड़ा सा पानी, इसको ठंडा पानी, नॉर्मल पानी ही इस पे यूज़ करें उसको गीला करने के लिए या पतला करने के लिए। तो देखिए मेहंदी मेरी अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। और मैंने इसको थोड़ा सा गाढ़ा इसलिए रखा है क्योंकि जब हम लगाते हैं ना तो बाल में से ये नीचे गिरती है, इसलिए आप थोड़ा सा ठीक रखें। और इस तरीके से आप ये जो है हमारी मेहंदी बन करके तैयार हो गई है। और आप एग की जगह, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो एग का यूज़ नहीं करना चाहती हैं, तो इसकी जगह आप दही भी डाल सकती हैं अपनी मेहंदी में। तो इस तरीके से देखिए मेहंदी का पेस्ट हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब हमें क्या क्या पहले से सावधानियाँ रखनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो बाल में जो है ऑयल लगा हुआ ना हो, हमारे बाल जो है शैम्पू किए हुए हों, अच्छे तरीके से सूखे हुए हों, और तभी आप मेहंदी का उस पर यूज़ करें। और मेहंदी अच्छा कलर भी देती है और अच्छा बालों के एकदम बाउंस ही बना देती है अच्छे से। और बालों को हमारे को एक अच्छा लुक देने के साथ साथ एक अच्छा कलर भी दे पाती है। और इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद हमें बालों को शैम्पू का यूज़ नहीं करना है बालों को धोने के लिए। बालों को धोने के लिए हमें नॉर्मल पानी का ही यूज़ करना है, ज़्यादा ठंडे पानी का यूज़ नहीं करना है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाल जब भी आप धोएं, उस दिन किसी किसी को स्कैल्प में खुजली जैसी होती है, तो उसके लिए जिस दिन आप मेहंदी लगा के धोएं, शैम्पू तो करेंगे नहीं हम, तो धोने के बाद में बालों को सुखाने के बाद अच्छे से जो भी ऑयल आप यूज़ करती हैं उसको अच्छे तरीके से अपने बालों में मसाज करें। और देखिए मेहंदी कितनी अच्छी दिख रही है। और मसाज करें अच्छे तरीके से, फुल तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने बालों में ऑयल लगा लें। और दूसरे दिन उठ के हमें क्या करना है, अच्छे से जो भी शैम्पू आप यूज़ करती हैं उस शैम्पू का यूज़ बालों को धोने में कर लेना है। इतनी सावधानियाँ आप रखेंगे तो आपकी मेहंदी और आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे। इसी तरीके से मेरा वीडियो देखते रहिएगा। बाय।